हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स। मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स स्टूडेंट, मैग्नेट बनाने की डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट वन इज सिंगल टच मेथड, एंड सेकेंड वन इज डिवाइडेड मैथड, डिवाइडेड टच मैथड, एंड थर्ड वन इज डबल टच मैथड। स्टूडेंट, ये थ्री मेथड्स हैं मैग्नेट्स को बनाने के। फर्स्ट वन इज सिंगल टच मेथड, एंड सेकंड वन इज डिवाइडेड टच मेथड, एंड थर्ड वन इज डबल टच मेथड। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड क्या होता है स्टूडेंट? टेक अ स्टील बार, ओके, दिस इज अ स्टील बार, एंड टेक अ परमानेंट बार मैग्नेट। परमानेंट बार मैग्नेट्स, ठीक। एक आप स्टील बार लोगे जिसको हम लोग को मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेट बनाना है, एंड सेकेंड आप क्या लोगे? परमानेंट बार मैग्नेट। परमानेंट बार मैग्नेट लेके स्टूडेंट क्या करोगे? आप इसका एक साइड, मींस सपोज दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, आप इसका एक एंड लेके क्या करोगे? इस स्टील बार के एक एंड पर, मतलब वन एंड पर आप इसको प्लेस कर दोगे लाइक दिस, एंड इसको परमानेंट बार मैग्नेट को क्या करोगे? इसके ऊपर रब करोगे सेवरल टाइम्स, एटलीस्ट 40 टाइम्स तक। ऐसे ही आप इसको, मतलब इसको लेके ऐसे रब किया, एंड फिर अगेन इसको लिफ्ट किया, एंड देन इसके वन पोल पर रखा, फिर इसको रब किया, एंड देन लिफ्ट किया, एंड फिर रिपीट। ये प्रोसेस आप कितनी बार करोगे? एटलीस्ट 40 टाइम्स, एंड देन स्टील बार को क्या कर दोगे? टर्न कर दोगे। इसको 40 टाइम्स तक करने के बाद स्टील बार को आप टर्न कर दोगे, एंड फिर से यही प्रोसेस क्या करोगे? फिर से उसको 40 टाइम्स बार इसका बैक साइड भी वैसे ही आप बार बार इसको रब करोगे। इसके बाद इसको चेक करोगे स्टील बार को स्टूडेंट। स्टील बार को आप किसी भी आयरन नेल्स के पास लेके जाओगे तो आयरन नेल्स क्या करेगा? स्टील बार अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, एंड आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो। आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल के पास लेके जाओ, अगर इसका नॉर्थ पोल, मतलब एक पोल जो है उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, मीन्स नॉर्थ पोल को दोनों के साथ लेके गए हैं, तो अगर उसमें रिपल्सन फोर्स अप्लाई हुआ, इट मीन्स इससे क्या प्रूव होता है कि ये किस में चेंज हो गया? एक मैग्नेट में। एंड जैसे इसका पोल टर्न करते हो, सपोज नॉर्थ पोल लेके जाते हो तो सपोज साउथ पोल लेके जाते हो नॉर्थ पोल की तरफ, तो वो अट्रैक्ट होता है। इट मीन्स इससे क्या प्रूव होता है कि स्टील बार किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नेट में। सो ये प्रोसेस कौन सा है? सिंगल टच मैथड। सिंगल टच मैथड में हम लोगों ने क्या किया था? एक स्टील बार लिया था, एक परमानेंट बार मैग्नेट लिया था। परमानेंट बार मैग्नेट का एक पॉइंट जो है, एक एंड हम लोग ने स्टील बार के ऊपर, स्टील बार के एक एंड के पास रखा था, इसको 40 टाइम तक रब किया था, एंड देन स्टील बार को फिर से टर्न करने के बाद फिर अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट किया था, जिससे क्या हो गया? स्टील बार किस में कन्वर्ट हो गया? एक मैग्नेट में। नाउ अब कौन सा मैथड हो जाएगा? डिवाइडेड टच मैथड। नाउ स्टूडेंट, डिवाइडेड टच मैथड, डिवाइडेड टच मैथड में क्या होता है? टेक अ स्टील बार, ये क्या है? स्टील बार। टेक अ स्टील बार एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, ठीक, एंड देन टेक अ टू परमानेंट बार मैग्नेट्स, मीन्स परमानेंट बार मैग्नेट्स, आप टू परमानेंट बार मैग्नेट्स लोगे, एंड इसका एक परमानेंट बार मैग्नेट्स का साउथ पोल, ठीक है, इसके मिडिल पे प्लेस करोगे, एंड दूसरा जो परमानेंट बार मैग्नेट्स है इसका नॉर्थ पोल,
इस आप स्टील बार के मिडिल पर प्लेस करना, एंड देन आफ्टर दैट इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों परमानेंट बार मैग्नेट्स को रब करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वाला इस डायरेक्शन में रब होगा एंड ये परमानेंट बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में रब होगा। दोनों परमानेंट बार मैग्नेट्स को रब करोगे एटलीस्ट 40 times इसको पूरा रब करते जाओगे, एंड देन आफ्टर दैट क्या करोगे, फिर से इस स्टील बार को टर्न कर देना, मतलब इसके बैक साइड को ऊपर की साइड रखेंगे और फिर से अगेन ये प्रोसेस फिर अप्लाई करना है कि ये इस साइड में रब करना है, ये साइड में रब करना 40 times। इसके बाद आप चेक करोगे कि स्टील बार किस में कन्वर्ट हो गया है, एक मैग्नेट में। चेक करने के लिए सेम प्रोसेस है कि आप इसको आयरन बार के पास लेके जाओगे तो ये आयरन बार को अट्रैक्ट कर लेगा, एंड अदर वे क्या है इसका, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल के पास लेके जाओगे तो सेम पोल में अगर रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है एंड अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, देन इट कन्वर्ट मैग्नेट मीन्स स्टील बार किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नेट में। और इसको स्ट्रॉन्ग अगर आप बनाना चाहते हो और ज़्यादा पावरफुल, मीन्स इसमें अट्रैक्शन और इसमें रिपल्सन फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इसके नीचे यहाँ पर प्लेस कर सकते हो एक परमानेंट बार मैग्नेट को और भी प्लेस कर सकते हो इसके नीचे, जिससे क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटाइज होगा, जो मैग्नेट बनेगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। इस कंडीशन में जैसे ये साउथ पोल आप रखोगे तो यहाँ पे भी साउथ पोल ही रखना है, और अगर इसका नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल रखना है। तो अगर ये आप स्टील बार के नीचे आप दो परमानेंट मैग्नेट्स और इसके नीचे रखते हो तो उस कंडीशन में जो मैग्नेट्स होगा वो ज़्यादा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बट अगर नहीं रखना है तो आप इस प्रोसेस से क्या करेंगे, एक स्टील बार लेंगे, उसके मिडिल पर दो परमानेंट मैग्नेट्स रखेंगे, एंड दोनों के पोल्स कैसे होंगे, अपोजिट रखना है। ये बात बेटा ध्यान रखना कि दोनों पोल्स कैसे रखेंगे, अपोजिट मीन्स एक का नॉर्थ पोल रखेंगे तो दूसरे का साउथ पोल, ठीक है, और उसको अपोजिट साइड में रब करेंगे 40 times तक ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये आपका स्टील बार है, ये परमानेंट बार मैग्नेट है, इसको ऐसे करके रब करेंगे मिडिल में रखेंगे, एंड उसके बाद क्या कर देंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर इसको ऐसे करके रब करेंगे 40 times से। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, डिवाइडेड टच मैथड। नाउ स्टूडेंट डबल टच मैथड क्या है, स्टूडेंट डबल टच मैथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिवाइडेड टच मैथड, मीन्स दोनों ही एक ही जैसे, बट ओनली वन डिफरेंस इज इसमें क्या होता है कि द परमानेंट बार मैग्नेट्स के बीच में एक वुडन पीस होता है, ये एक इसके बीच में एक वुडन पीस होता है, ठीक है। बट डिवाइडेड टच मेथड में क्या होता था, वुडन पीस नहीं होता था दोनों के बीच में, बाकी सेम प्रोसेस है। आप वैसे ही क्या करेंगे, दोनों बार मैग्नेट्स को उसको रब करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में रब करेंगे एंड इसको इस डायरेक्शन में रब करेंगे, एंड 40 times वही इसको बार बार रब करेंगे, एंड देन इसको लिफ्ट कर देंगे अनदर साइड पर, फिर अगेन यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जिससे जिस डायरेक्शन जिस तरफ आपने इसका परमानेंट बार मैग्नेट का साउथ पोल रखा था, ये वाला पोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल में, एंड जिस साइड आपने नॉर्थ पोल रखा था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउथ पोल में, ठीक है स्टूडेंट। तो सिर्फ एक डिफरेंस है आपका कि डबल टच मेथड में क्या होता है कि परमानेंट बार मैग्नेट्स के बीच में वुडन पीस रखा जाता है, बाकी जो डिवाइडेड टच मेथड में प्रोसेस अप्लाई करते हो सेम प्रोसेस ही आपको डबल टच मेथड में अप्लाई करना है। नाउ स्टूडेंट मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वी कैन सी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मीन्स आप करंट किसी में फ्लो करके किसी भी सब्सटेंस को आप कैसे मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये प्रोसेस है। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, टेक एन आयरन नेल अबाउट 8 centimeter लॉन्ग एंड वाइंड ओवर इट एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्या करना है, इसके ऊपर वाइंड कर देना, एंड देन इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को आप क्या करोगे, एक ड्राई सेल से दोनों टाइप में, एक इस पॉइंट पर जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, इसको नेगेटिव टर्मिनल, दोनों पॉइंट से
सेलो टेप की हेल्प से आप क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। देन इसके बाद ये अरेंजमेंट आप क्या करोगे, किसी भी पेपर क्लिप्स जो होती हैं मेड ऑफ आयरन, आयरन की जो पेपर क्लिप्स होती हैं इनके पास ये अरेंजमेंट ले जाके देखोगे तो क्या करती हैं, ये पेपर क्लिप्स जो होती हैं ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, मतलब इनको ये क्लिक करने लगता है, क्लिंग्स मतलब क्लिंग्स करने लगता है, ये अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। इट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैग्नेट में। बट जैसे ही आप इसको इस प्रोसेस को यहाँ से हटाते हो, मतलब ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है ड्राई सेल से जैसे ही टच करते हो तो ये जो मेड आयरन की जो क्लिप्स हैं उनको क्या करता है, उनको फॉल कर देगा, मतलब उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये तभी तक फॉलो करेगा जब तक ये ड्राई सेल से अटैच होगा, जैसे ही ड्राई सेल से आप इसको हटाते हो ये तुरंत ये प्रिंट को भी फॉल कर देगा, इनको भी लेफ्ट कर देगा, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अ मैग्नेट विच ऑपरेट्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस अराउंड आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मीन्स तभी तक ये काम करता है जब तक इसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो आप किसी भी आयरन नेल को करंट फ्लो करके भी उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक मैग्नेट में। और जैसे ही करंट आप बंद करते हो तो वो मैग्नेट में नहीं होगा, मीन्स वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।